हेलो भाई, मैं विवेक और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भाई ये वाला सिस्टम जो कि काम तो रोटावेटर का करता है लेकिन रोटावेटर जैसा तो नहीं कर सकता लेकिन हाँ उतना कर देता है। ये कब यूज़ में आता है? जब आप ऐसे प्लू करते हो खेत में, अभी यहाँ पे प्लू है, अगर डायरेक्ट इसके ऊपर अगर आप रोटावेटर चलाओगे तो भाई उससे ये बराबर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें मिट्टी के इतने इतने बड़े ढीम हैं और रोटावेटर जब आप चलाओगे तो ऊपर नीचे तो लेवल नहीं बन पाएगा। पहले आप इसको कर दो और ज़्यादा बारीक चाहिए तो रोटावेटर कर दो, लेकिन इतने ये बारीक कर सकता है। अभी ये बहुत से क्षेत्रों में इसका यूज़ तो किया जाता है लेकिन वहाँ पे सिंपल ऐसा जो खंभा होता है इसको घुमाते हैं, लेकिन इसमें आप देखोगे ना तो पूरी ब्लेड लगी है और इसको पूरा ब्लेड से ही बनवाया था। अभी ब्लेडों का ये फ़ायदा है भाई कि मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा चूर करता है। नॉर्मल अगर आप ये घुमाओगे ना इससे काफ़ी ज़्यादा चूर भी करेगा, प्लस थोड़ा बहुत कहीं अगर मिट्टी की ज़रूरत होती है खोद भी लेता है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ घिसाएगा लेकिन ये अपनी खुद से भी मिट्टी निकाल लेता है। चला तो इसको एक बार, आप देखना यहाँ पे इतने बड़े बड़े मिट्टी है, ये देखो अब इसको बारीक कर देगा और बढ़िया दो नंबर हाई में चलाओ, आपको धीरे भी चलाने की ज़रूरत नहीं। हो गया और कहाँ इतनी बड़ी बड़ी, और ये देखो अब ये देखो कितनी बारीक कर दी इसने और दो नंबर हाई में बहुत भगाओ। अगर आप रोटावेटर को इतनी स्पीड में चलाओगे, हालांकि इतनी स्पीड में तो वो चलता नहीं लेकिन फिर भी एक हाई तक चल जाता है। अभी यहाँ पे एक साइड में खेत है 855 XM ट्रैक्टर ने 4 लो या 1 हाई में चलाया होगा, बहुत ज़्यादा भगाया। अगर सेम आप ऐसे करते हो तो भाई इसमें रोटावेटर में टूट फूट का ज़्यादा खतरा, इसलिए सबसे बढ़िया ये चीज़ है। अब इसे एक बार घुमा दो, उसके बाद में अगर आपको और बारीक करना है इससे ज़्यादा तो फिर रोटावेटर करो, बाकी इतनी बड़ी बड़ी मिट्टी है तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब इसमें अपने को बोना है भाई सोयाबीन, पहले इसमें बोई हुई थी मूंग, और अगर आपका सिंपल खेत है जिसमें मूंग नहीं बोया हुआ है तो उसमें तो भाई ये चलेगा ही नहीं क्योंकि बहुत हार्ड मिट्टी होती है, देखो ना कितनी हार्ड मिट्टी है। उसमें जब तक आपका पानी नहीं गिरेगा तब तक ये वाला सिस्टम कोई काम का नहीं है, और पानी गिरने से पहले अगर रोटावेटर भी करोगे तो भी भाई कोई मतलब नहीं है, पानी गिरना ज़रूरी है MP में क्योंकि मिट्टी इतनी हार्ड है। ये देखो ना, अब इसमें करके भी आप क्या करोगे जब तक पानी नहीं गिरेगा। इतनी बड़ी बड़ी मिट्टी अगर ये हो गई तो अब ये तो भाई थोड़ी बहुत पानी से घुल जाएगी, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर ऐसा था और ऐसा कर दिया, अगर इसके ऊपर रोटावेटर करता तो रोटावेटर में एक और समस्या है कि ऊपर रोटावेटर तो इसको लेवल पूरा दिखता है लेकिन जब पानी आता ना तो मिट्टी नीचे चली जाती है और फिर आपका लेवल गड़बड़ होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पूरी मिट्टी को घिसते ले जाता है, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे डाल देता है, प्लस थोड़ी सी नीचे दबा के आप अगर चला रहे हो तो ठास भी देता है, मतलब ऐसे पोला नहीं छोड़ता। ये देखो पैर नहीं घुस रहा मेरा, अगर यही रोटावेटर का खेत होता तो इसमें से पैर दब के चलता। साइड में अगर आप देखोगे ना वो चल रहा है 855 XM और उसने किया है रोटावेटर, और रोटावेटर देख के आते कितना बारीक है इसमें और उसमें कितना फ़ायदा है। अगर रोटावेटर चलाओगे तो भाई डीजल ज़्यादा लगेगा, प्लस आपको थोड़े से छोटे गियर में चलाना पड़ेगा, ज़्यादा भगाओगे तो कुछ ना कुछ चीज़ तोड़ोगे। तो वहाँ पे चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये चल रहा है 1 XM और इसको अगर आप मतलब नया बंदा देखेगा ना दूर से तो वही यही बोलेगा कि इस पर भी रोटावेटर किया हुआ है, लेकिन ये रोटावेटर नहीं है, सिंपल इसको अपन ने अपने सिस्टम से बराबर किया है। ये देखो ये ट्रैक्टर कितनी स्पीड से चल रहा है, हालांकि रोटावेटर इससे तो बारीक कर ही देगा। ये देखो सेम ही है यार, थोड़ा बहुत फर्क है बस, ये देखो ना पास से दिखो, थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी इतना डीजल फूक के रोटावेटर चला के मतलब PTO पे लोड देके क्या मतलब, जब अपने पास वो वाला सिस्टम है तो। रोटावेटर तो अपने पास भी है लेकिन उसका यूज़ करने का मन था लेकिन अपन ने नहीं किया। और ये देखो ये 4 लो में होगा मेरे हिसाब से, या फिर 1 हाई में भी हो सकता है, लेकिन इतना फास्ट जब आप चलाते हो ना, अभी तो यहाँ पे बराबर है, अगर ऐसे मिट्टी के ज़्यादा बड़े बड़े टीले हैं और उन पर आप तेज़ चलाओगे तो वो पूरा ऐसा हिलता है और कोई मतलब है नहीं, रोटावेटर तोड़ने वाला काम है। बाकी देखो ना क्या फ़र्क है, बहुत बढ़िया जुगाड़ है और वो काफ़ी कम कीमत में मतलब बन जाता है, काफ़ी पहले बनवा के रखा है अपन ने, लेकिन अपना वाला ये है कि भाई थोड़ा सा भारी है तो आप उसे पूरा नीचे दबा के नहीं चला सकते, हल्का सा आपको उठा के चलाना पड़ेगा। अगर आपने नीचे रख दिया तो फिर वो आपके ट्रैक्टर से नहीं खिंचाएगा, चाहे वो 65 HP का हो 4 व्हील हो, क्योंकि इसमें मिट्टी तो वैसी रहती है, आप जैसे ही नीचे रखोगे वो इतनी सारी मिट्टी इकट्ठी कर लेता है कि आपका खेत भी बिगाड़ देगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर करो। और ये देखो ना कितना बढ़िया, अभी उस खेत में और इसमें क्या अंतर लग रहा है, बस हल्की सी थोड़ी सी बड़ी है लेकिन उतने से भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी पानी आएगा तो ये ऑटोमेटिक लेवल हो जाएगा। मेरा मन था कि इसको एक बार घुमाने के बाद रोटावेटर इस पर कर देंगे लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी अगर ऐसी लगेगी तो कर देंगे, वैसे तो कोई नहीं है। इसमें आप डायरेक्ट भी वो नहीं कर सकते हो क्योंकि ये पूरा बराबर तो हो चुका है, ज़्यादा भी अपने को बारीक करके क्या मतलब है, क्योंकि पानी गिरेगा आधा आपके जो मिट्टी है उसमें घुल जाएगी, प्लस जब आप वो नहीं करोगे तो भाई पूरे आपके ढीम पूरे ही चूर हो जाएंगे, क्योंकि सीडिल के पीछे भी आप पुटलियाँ लगा के चलाओगे तो क्या प्रॉब्लम है। बाकी एक बार और ये सिस्टम आपको दिखा देता हूँ, अभी वहाँ पे तो काफ़ी धीरे चला रहा है क्योंकि मिट्टी जहाँ पे हार्ड है वहाँ पे भाई ट्रैक्टर के लिए काफ़ी मुश्किल होती है उसको खींचना,
इसलिए वहाँ पे तो काफ़ी धीरे चलेगा वो। बाकी पास में आने देते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई एमपी की हार्ड मिट्टी, इतनी जगह में कितना सूखा है। इधर मूंग बोई हुई थी, इधर मूंग नहीं बोया हुआ था इसलिए इतना सूखा है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी नहीं चढ़ता इसलिए मूंग नहीं बोया था। बाकी कितना हार्ड है, ये देखो कितनी हार्ड मिट्टी है ये तो, और पीली है तो फिर भी थोड़ी सी नरम है। अगर पूरी ब्लैक होती है ना नहर के साइड में, इसलिए यहाँ पे पीली है। बाकी पूरी अगर ब्लैक होती तो उसको फोड़ना तो बहुत मुश्किल है। अभी फिर से इसने साथ दो हाई लगा लिया है और अब देखो क्या प्यारा चल रहा है। ट्रैक्टर पे कोई लोड भी नहीं है क्योंकि रोटावेटर से बिल्कुल कम लोड है, और 1500-1600 RPM में चलाओ वो भी इसलिए क्योंकि अपने को भगाना है। अगर धीरे प्यार से चलाओगे तो और बढ़िया है। ये देखो अभी यहाँ पे इतनी मिट्टी है, अभी इसको निकलने दो, उसके बाद देखना। ये देखो भाई ये कर दिया बराबर सिस्टम। तो इसमें बैठ है भाई 4.5 क्विंटल के लगभग में, और 55 HP के हिसाब से ही अगर आप इसको 735 से जैसे मैं खींचने की कोशिश करूँगा तो भाई इसको इतना बढ़िया से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा चली जाती है और थोड़ा सा ट्रैक्टर पे लोड पड़ता है। इसके टायर बड़े हैं तो स्लिप कम मारता है, अगर छोटे टायर होते ना बहुत स्लिप मारता है। जो 735 में खींचने को वो भी खींच लेगा लेकिन स्लिपिंग काफ़ी ज़्यादा रहेगी। सबसे बढ़िया चीज़ भाई मेरे को तो लगती है कम में जुगाड़ बन जाता है, प्लस डीजल की भी बचत, और सबसे ज़रूरी चीज़ समय की बहुत बचत है। आपको इसमें बहुत कम समय लगेगा क्योंकि आप जितना भगा सकते हो आपके ट्रैक्टर में जाने उतना भगा लो भाई। धीरे चलाने का तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि अपने को सिर्फ इसको बराबर ही करना है। बाकी भाई आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच।